अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दी ए आई ओ यू फैक्ट और मैं हूँ अब्बास अली। आज की वीडियो में इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के बहुत से स्टूडेंट्स को रोल नंबर स्लिप जो है वो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल ऐप से डाउनलोड करने में इश्यूज आ रहे हैं, तो मैं डिटेल से आप लोगों को प्रोसीजर इस वीडियो में बता देता हूं, करके दिखा देता हूं कि आप लोगों ने अपना अकाउंट किस तरह से बनाना है और आप लोग जो है ऐप से किस तरह से रोल नंबर स्लिप जो है उसको डाउनलोड करेंगे। इसके अलावा आप लोगों को इस ऐप से आप लोग अपना रिजल्ट कार्ड, अपना एडमिशन भी भेज सकते हैं और आपने अपनी ट्यूटर इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं और अपना LMS और अपना CMS अकाउंट भी यहां से ओपन कर सकते हैं। आज के बाद जितनी भी चीज़ें होंगी वो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी अपने ऑफिशियल ऐप पे ही जो है वो अपलोड करेगी, तो आप लोगों को ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग इस पे अपना अकाउंट बना लें और इसको यूज़ करना सीख लें। तो ये तरीकेकार के लिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अपने गूगल पे जाना है और यहाँ पर आपने अपना जो CMS अकाउंट है पहले वो ओपन करना है, वहाँ से अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो ओपन कर लेनी है ताकि वहाँ से इंफॉर्मेशन जो है वो हम अपने ऐप पर पुट कर सकें। तो सबसे पहले मैं चला जाता हूँ CMS अकाउंट पर। तो जैसे ये ओपन होगा तो CMS अकाउंट, यहाँ से मैं अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन उस स्टूडेंट्स की देख लूँगा जिसका मैंने अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंपस पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये ऑप्शन होता है आप लोगों के पास, आप लोगों ने इस पर क्लिक करके अपनी जो इंफॉर्मेशन है पर्सनल इंफॉर्मेशन वो देख लेनी है कि आपने क्या क्या पुट किया है। तो यहाँ से इसके बाद आप लोगों ने अब आ जाना है प्ले स्टोर पर और अपना जो अकाउंट है उसको, अपनी जो ऑफिशियल ऐप है उसको ओपन करना है या उसको डाउनलोड कर लेना है, फिर उस पर अकाउंट बनाना है। यहाँ से मैंने ये प्ले स्टोर ओपन कर लिया है, सर्च के ऑप्शन में जाकर यहाँ पर मैं AIOU ऑफिशियल ऐप ये सर्च करूँगा तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सेकंड वाली जो है ये ऑफिशियल ऐप है इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की, आप लोगों ने इसको ओपन कर लेना है। अगर आप लोगों के पास डाउनलोड नहीं है तो इसको पहले डाउनलोड करें फिर ओपन करें, मेरे पास डाउनलोड है तो मैं इसको ओपन करूँगा। जैसे ये ओपन होगी तो इस पर हमने अब अपना अकाउंट जो है वो बनाना है। तो ये ओपन हो गई है, इस पर हम किस तरह से, अगर आप लोगों का अकाउंट बना हुआ है तो सिंपल आप लोग ईमेल और पासवर्ड दें आपका जो है वो ओपन हो जाएगा, लेकिन अगर आप लोगों के पास नहीं बनी हुई तो आपने डोंट हैव एन अकाउंट इस पर क्लिक करो। जैसे ये क्लिक करेंगे आप लोग तो आप लोगों से वो नाम पूछेगा। अब आप लोगों ने यहाँ से जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों ने कोशिश करनी है जो आप लोगों के CMS पोर्टल पर थी पर्सनल इंफॉर्मेशन में, वो वाली पुट कर दें। तो हम वहाँ से देख लेते हैं कि हमारा क्या इंफॉर्मेशन वहाँ पर हमने पुट की हुई थी। तो यहाँ से मैं नाम जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं नेम जो है वो पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद गार्डियन जो है वो लिख देते हैं, उसके बाद मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर भी वहाँ से हम लोग जो है उठा लेते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन में जाके। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर जो है यहाँ पर मेंशन होता है, जो आपने पहले दिया हुआ था वही आप लोग यहाँ पर मेंशन कर दें। यहाँ से कॉपी करके सिंपल वहाँ पर जाकर पेस्ट कर दें तो यहाँ पर आप लोगों का मोबाइल नंबर आ जाएगा। तो मोबाइल नंबर पुट करने के बाद आप लोगों ने ईमेल भी यहाँ पर पुट कर देनी है, तो ईमेल भी वहीं से उठा लेते हैं हम लोग जो पर्सनल इंफॉर्मेशन CMS पोर्टल पर हमने अपलोड की हुई है, जो हमने दी हुई है ऑलरेडी, तो वही यहाँ पर आप लोग पुट कर दें। तो ये मैंने ईमेल कर दिए, आगे अपने आईडी कार्ड नंबर जो है वो भी वहीं से ले लें। आप लोगों के पास यहाँ पर नेशनल आईडी कार्ड दिया होता है, आप लोग सिंपल वहाँ से कॉपी करके तमाम चीज़ें जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर पुट करते जाएं। तो इस तरह से आप लोग करेंगे तो आप लोगों को कोई भी इश्यू नहीं आएगा। अब यहाँ पर पासवर्ड, यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं कि यहाँ पर पासवर्ड जो है वो सिंपल लगाते हैं। आप लोगों ने ये करना है कि एक तो आप लोगों का पासवर्ड जो है वो 8 लेटर का होना चाहिए कम से कम, और दूसरा वहाँ पर तमाम यानी कि अल्फ़ाबेट जो हैं यूज़ हों। जैसे अगर मैं एक कोई है वो आप लोग अपनी ABC का वर्ड हो, एक आप अपना स्पेशल करेक्टर जैसे कि @ हो गया, स्टेरिक हो गया, या इस तरह का #, जो होता है वो यूज़ कर लें दरमियान में, फिर अपना जो है कोई भी काउंटिंग का नंबर जो है वो दे दें पासवर्ड, और ये तकरीबन 8 नंबर का हो, फिर जो है आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा। मैं यहाँ पर पासवर्ड कोई बना लेता हूँ 8 लेटर का, और यहाँ पर मैं रजिस्टर पर क्लिक कर देता हूँ।
तो ये देख सकते हैं आप लोग, अकाउंट जो है आप लोगों का बन गया है। अब वो चीज़ें आपको याद होंगी, अपना ईमेल यहाँ पर फिर दोबारा से पुट करें जो आपने ईमेल अभी दी है इसको। ईमेल देने के बाद आप लोगों ने अपना पासवर्ड वही जो आप लोगों ने पहले दिया था तो वो वाला पुट कर लेते हैं। लॉगिन करोगे तो आप लोगों का लॉगिन इस तरह से हो जाएगी। अब आप लोगों ने सिंपल यहां पर आकर रोल नंबर स्लिप पर क्लिक नहीं करना, कोई भी इंफॉर्मेशन पुट करनी हो लेनी हो, चाहे आप लोग एडमिशन करवाना चाहते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर का या सीएमएस या एलएमएस ओपन करना चाहते हैं, जॉब के बारे में जानना चाहते हैं, ट्विटर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, या आप लोग रिजल्ट और रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो पहले आप लोगों ने आ जाना है। अब नीचे ऑप्शन होगा, होम का एक ऑप्शन है, एक नोटिफिकेशन का है, एक प्रोफाइल का है। पहले आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल पर चले जाना है। तो मैं यहाँ पर प्रोफाइल पे आकर नीचे आप लोगों को ऑप्शन नज़र आ रहा है स्टूडेंट आईडी, इसको एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करके यहाँ पर आप लोग अपनी स्टूडेंट आईडी जो है वो पुट कर दें। स्टूडेंट आईडी जो है हम ले लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या थी तो इसको कॉपी करके, या इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप लोग आ जाएँ वहाँ पर, पर्सनल स्टूडेंट आईडी पुट कर दें यहाँ पर। पुट करने के बाद आप लोग सेव प्रोफाइल पर क्लिक करें। जैसे आप लोग सेव प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो अब आप लोगों ने आ जाना है होम पे। अब आप लोगों ने रोल नंबर स्लिप पे क्लिक करना है। तो इस तरह आप लोगों की रोल नंबर स्लिप जो है वो शो हो जाएगी। तो इस तरह से आप लोगों ने अपनी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर लेनी है। बाकी तमाम जो भी चीज़ यहाँ से इंफॉर्मेशन आपने डाउनलोड करनी हो वो पहले जाकर एडिट प्रोफाइल पर जाकर उसको आप लोगों ने अपनी स्टूडेंट आई डी वहाँ पर पुट करके आप फिर आप आकर इसको ओपन करेंगे तो ओपन हो जाएगी। उम्मीद है तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर इसके अलावा भी आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो, एडमिशन के हवाले से हो, असाइनमेंट के हवाले से हो, या आप लोगों के एग्जाम्स की तैयारी के हवाले से हो, या जॉब से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, तो आप नीचे कॉमेंट करेंगे, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा या उस पर एक वीडियो बनाकर आप लोगों को समझा दूंगा। थैंक यू वेरी मच।